नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसत्ता.com। नजर डालते हैं दिनभर सुर्खियों में रही पांच बड़ी खबरों पर। भारतीय नौसेना के लिए तैयार की गई स्कॉर्पियन पनडुब्बी से जुड़े दस्तावेज ऑस्ट्रेलिया में हुए लीक। दुनिया के सामने आई 23,400 करोड़ के प्रोजेक्ट की 22,400 पेज की इन्फॉर्मेशन। पटना, गुवाहाटी, कोलकाता, म्यांमार समेत कई शहरों में महसूस किए गए भूकंप के झटके। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 6.8 मापी गई। म्यांमार था भूकंप का केंद्र, जान माल की क्षति की कोई खबर नहीं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को मिली सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने माना राहुल गांधी ने महात्मा गांधी की हत्या के लिए आरएसएस को नहीं कहा था हत्यारा। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता को लगाई फटकार, कहा सार्वजनिक हस्ती होने के नाते आलोचना बर्दाश्त करनी ही होगी, नहीं कर सकती मानहानि का मुकदमा। जम्मू में वैष्णो देवी मंदिर के पास हुआ लैंडस्लाइड, सीआरपीएफ के हेड कांस्टेबल की मौत, कई लोग दबे। महीने भर में दूसरी बार ऐसा हादसा हुआ। देश और दुनिया की और अधिक खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।